अवनीश जी नमस्कार, पूछिए। नमस्कार मैडम, बताइए क्या सवाल है। मैडम मेरे पास इरेडा के 2037 शेयर थे जो मैंने 275 पर बुक कर लिया है। बुक कर लिया आपने प्रॉफिट ना? जी जी मैडम, 275 पर मुझे कहा गया था तो मैंने अच्छा बुक कर लिया और ब्रोकरेज हाउस ने निगेटिव पेमेंट किया था तो रोज गिर रहा है। देखिए आपने सही लेवल पर कर लिया, उसके बाद नीचे जा रहा है ये स्टॉक। आपने सही लेवल पर राय लेकर यहाँ पर बुक कर लिया। आप पूछिए, दोबारा से एंट्री लेना चाहते हैं क्या? जी मैम, इसमें दोबारा एंट्री का टारगेट क्या होना चाहिए और मुझे 2-3 लाख रुपए जो इससे निकले है कैपिटल, तो किन अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, यही जानकारी चाहिए। चलिए आपको राय दिलवा देते हैं। पहले तो ये ध्यान रखिए कि जब आप बाजार को ऑलरेडी पीक आउट होते हुए देख रहे हो तो एक साथ एक ही स्टॉक पर अपनी ज्यादा से ज्यादा लमसम अमाउंट लगाने से पहले आपको जरूर राय लेनी चाहिए, जो कि आप सही कर रहे हैं कॉल करके। जय, इनके पास 3 से 4 लाख रुपए हैं, इरेडा में एक बार फिर से फ्रेश एंट्री लेने की सोच रहे हैं डिप्स पर। क्या ये सही रणनीति होगी या फिर इन 3 से 4 लाख रुपयों को अगर अभी करंट मार्केट्स में निवेश करना हो तो रणनीति क्या बताएंगे? बिल्कुल, देखिए मैं कहूंगा साक्षी के ही शुड बी अवॉइडिंग रेलवे स्टॉक्स एज ऑफ नाउ, इरेडा और मेबी समथिंग एल्स, बिकॉज़ सी दे हैव रन अप, उन्होंने पैसा दिया, सेक्टर ने अच्छा रिटर्न्स दिया ऑलरेडी, थोड़ा कूल ऑफ रहने दीजिए इन्हें, थोड़ा कंसोलिडेट होने दीजिए ये स्टॉक्स को, कंसोलिडेशन में शायद आपको फिर से मौका मिले। अदरवाइज दूसरे ऑलरेडी सेक्टर्स मोमेंटम में है, जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया तब वहां पे थोड़ा मोमेंटम बिल्डअप होते हुए नजर आ रहा है। जैसे मैंने कहा FMCG, वहां पे अगर आप देखें तो HUL हो, मैरिको हो, डाबर हो, ITC हो, यहाँ से अपसाइड है, अपसाइड पोटेंशियल ऑफ 15-20% एज आई सेड इन दिस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कैलेंडर ईयर। साक्षी आईटी में कुछ ऐसे नेम है लाइक यू नो TCS हो, राइट, सीज हो, दीज आर दी स्टॉक्स व्हिच आर लुकिंग इन केस में OMC का BPCL है, यू नो FMCG है, ये 3-4 सेक्टर्स में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ, आप यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं आप और आपका डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाएगा। ओके, गॉट दैट। चलिए।